सर विकी के बारे में बताया था ना, यही है। ठीक है मैं देख लूं। ओके तुम निकलो। ओके सर। थैंक यू सर। ये मटन बिरयानी भी ना जितनी स्वादिष्ट होती है खाने के बाद तकलीफ भी उतनी देती है, मटन दांत में फंस जाते हैं। मैं रिज्यूमे नैना ने तुम्हारे बारे में सब बताया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अभी तो आपने कहा कि नैना ने सब बताया है। पढ़े कितने हो? न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ सर। हेलो मैं पूछ रहा हूँ एजुकेशन कितनी है, पढ़ाई कितनी की है तुमने? सर पहले आप कहते हैं नैना ने सब बता दिया है, फिर घड़ी घड़ी ये सवाल पूछकर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सर? ओके जितनी चादर होती है हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए, इसका मतलब बताओ। सर जितने बाल हो उतनी ही कंघी करनी चाहिए। इससे पहले क्या काम करते थे? शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था सर। शादी के लिए ढूंढो या टाइम पास के लिए, मुझे क्या? ए, सर मैं पूछ रहा हूँ कि काम क्या करते थे तुम? जॉब जॉब। शादी के फंक्शंस में वीडियो शूट करता था सर। हेलो तुम्हें क्या लगता है मीडिया कवरेज करना कोई शादी में खड़े रह के दुल्हा दुल्हन की तस्वीर निकालने के बराबर लगता है तुम्हें? जी सर। इट्स अ सीरियस जॉब, इसमें एडवेंचर होता है, जो भी कवर किया जाता है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए। दिस इज मीडिया सर। एडवेंचर तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। वेरी गुड। और डेयरिंग तो मेरे खून में है सर। yes. कल से काम पर आ जाना, तुम्हारी नौकरी पक्की, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू सर। क्या रिया? अच्छा एक बात बताओ। क्या सर? ये क्या लगा रखा है सर? क्या सर? क्या क्या सर? हाँ तुम्हारे सर के पीछे जो फूल बना रखा है वो क्या है सर? हाँ क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक करो, ये तो फैशन है ना। सर ये ले लूं? अरे रे ये तो मैंने झूठी की है, चलेगा? नहीं सर ये चाहिए। तो इसमें पूछने वाली कौन सी बातें, ले जाओ। थैंक यू सर। वेरी गुड। शादी में प्यार कितना जरूरी है, कल इस टॉपिक पे इसी से डिस्कशन करूंगा। नमस्कार सर। हाँ ये है फर्स्ट लेटर। हाँ पढ़ो। मेरा नाम रोहिणी है। हाँ। और मैं सकलेशपुर से लिख रही हूँ। अच्छा। सर मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ पर मेरी शादी नहीं हुई है। थो, 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 थो। प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताइए, ये इनका सवाल है सर। देखिए मिस रोहिणी, अच्छा होता अगर आप शादी के बाद प्रेग्नेंट हो जाती, बाकी आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। नेक्स्ट सर। हाँ। ओंटी कोप्पल से रंगना। नमस्कार रंगना। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। हाँ। जब मैंने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, और अब मुझे लगता है कि बच्चा होना चाहिए, तो बताइए मैं क्या करूं? शास्त्रों में लिखा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए शैतान का होना, सॉरी संतान का होना बहुत जरूरी होता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जाओ अपनी बीवी को बनाकर वापस ले आओ, या फिर किसी अनाथाश्रम से किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो। देखिए बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार नेक्स्ट प्लीज। मैं हूँ जैन नगर से जगदीश। मेरी बीवी मुझसे 2 महीने बड़ी है, इस वक्त वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, क्या वो पूरे 9 महीने में बच्चे को जन्म देगी या फिर 2 महीने एक्स्ट्रा लेगी, प्लीज मुझे बताइए। देखिए मिस्टर जगदीश, इस समस्या का समाधान आपको चाइनीज कैलेंडर में मिलेगा, बाकी आप कभी ऑफिस आ जाइए, हम दोनों मिलकर बात करते हैं, समझ गए ना? नेक्स्ट। सर लास्ट लेटर। हाँ। सर मेरा नाम है रवि कुमार। मेरी शादी को 1 महीना हो गया है, मेरी बीवी मुझे सोने की जगह ही नहीं देती, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखिए अगर आप मैट पे सोते तो कोई बात नहीं, अगर आप बेड पे सोते तो आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, मेरे पास बस यही जवाब है। अबे फाड़ दे उसे। सर लोगों ने इतने प्यार से ये लेटर लिखे हैं। हाँ। तो इन्हें मैं कैसे फाड़ सकता हूँ सर? नहीं फाड़ सकते, बिल्कुल फाड़ सकते हैं। नहीं समझे? ना समझो सर, हम इन लेटर्स को फाड़ सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि इन लेटर्स को हम ही ने लिखा है और हम ही ने पोस्ट किया है अपने एड्रेस पर। तुम्हें क्या लगता है कि पब्लिक के पास इतना टाइम है जो ऐसे फालतू सवाल पूछे? मुझे पहले से शक था सर कि ऐसा ही कुछ होगा। सुपर्ब सर। देखो शादी बचाने का पहला उसूल होता है अंदर क्या चल रहा है बाहर पता ना चले, बाकी सब बकवास है।